अरे अभी रुक जाए, ब्लॉग ना बना रहे भगवान करे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी। टिकट हो रही है, अंगूठा किसने काटा? भाभी सबको शराब करते हुए कहती है हम का बोल देगी। जिंदगी एकदम मतलब नरक हो चुकी है। बाजा फाट डाला हुआ, इतना डांस हुआ। सो वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड गाइस, करता हूँ बढ़िया होंगे। तो अभी आपको टाइम दिखा दूँ, 12 होने वाले हैं और हम मामा गए थे आज बाहर, एक पार्टी थी तो वहाँ से वापस आए हैं और अभी मामा को छोड़ दिया हूँ घर पे। बाजा फट डाला हुआ, इतना डांस हुआ। अरे इलाहाबादी डांस रग रग में, वाकई मज़ा आ गया भाई साहब, मज़ा। आपको भी मज़ा लेना हो तो आइए इलाहाबाद। तो अभी फिलहाल तो छोड़ेंगे और मैंने सोचा कि ये ब्लॉग कंटिन्यू कर लें क्योंकि कल सुबह अपने लोग को कहा जाना मामा वो जर्नी पे, अपने को निकलना है बरगढ़, वहाँ भी बाजा फाड़ना है बरगढ़ चित्रकूट जिला। तो वहाँ पे भी एक सेरेमनी है तो वहाँ पे अपने जाना है तो सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग कंटिन्यू कर लूँ और अभी मैं जाऊँगा घर से। अभी मेरे को छोड़ के गाड़ी के पास और ये वापस हो जाएंगे और मैं जाऊँगा घर अपने, वीडियो टूट लूँगा और खाना तो हो गया है अपना, बाहर हुआ है। तो अब हम मामा से सुबह मिलेंगे और देखते हैं कल क्या क्या होता है। बाकी आप वीडियो पे बने रहिए, मिलते हैं सुबह। शुभरात्रि, सबक है, गुड नाइट। 20 minutes later. तो पहले गाइस घर आ चुके हैं और टाइम हो गए हैं 12:20 हो रहे हैं, गाड़ी अंदर रखते हैं फिर मिलते हैं सीधा सुबह। The next day. मामा क्या बोलूँ मैं इसको, बोला कि अच्छा रुको, मैंने तेरे को फोन किया आ जाओ। हाँ। तो मैं इसको ज्ञान की प्राप्ति दूंगा भैया, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो। मैं भाभी मैं इसको कह रहा हूँ कि मिलना बंद कर दूंगा। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। और अपनी एक नई दिन शुरुआत हो चुकी है जल्दी सुनने के साथ। तो अपने को लेट हो गया है और अभी आपको मैं टाइम बता दूँ, 12:20 हो रहे हैं। तो अपने लोग को निकलना था 9 बजे ही, तो अभी लेट हो गया है तो काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिला है। बाकी आप वीडियो में देखेंगे कितना सुनने को मिला है। और मामी इधर हमारी गुस्साई हुई है, मामी आपको माफ नहीं कर, देख सकते हो। पीछे वाले मामा को कुछ रखो बस। वो ये यार आके मैंने बर्बाद कर दिए भाई, अब क्या बताएं इसको, हम कहाँ बोल देगी। जिंदगी एकदम मतलब नरक हो चुकी है। मैं कहाँ रहता था, अब है गलती करता है सुनता जान दो यार। अभी मूड बहुत डिस्टर्ब है यार, मेरी प्रिय भाभी गुस्सा है, नहीं तो इनका भी मैं जीएस चेक करता और आपको समझवाता कि हमारी जीएस गुरु है नैनी की, इनका इतिहास बहुत ही पुराना है। और एक बात की कहानी ये है, तुम्हारी वजह से सुबह से मूड ऑफ हो गया। जब मेरा ये डुब्बू छोटा था, देखा जब ये मेरा बाबू छोटा था तो हम लोग इसको लेने गए तो भाभी से ऐसे बातचीत होने लगी तो भाभी से पूछा गया कि अंगूठा किसने काटा। तो भाभी सबको शराब करते हुए कहती है एकलव्य ने नहीं, गौतम बुद्ध ने काटा। भाभी देख सकते हैं, हेलो, बहुत ही अच्छी है कुछ, लेकिन इस समय डिस्टर्ब है और इस समय सरकारी टीचर की पद पे तैनात है। सोचिए तुमसे एक बच्चे को भाभी से क्या बोला। अरे यार अपना जो बायोजेनिक्स का ना और यार निकलते हैं आगे जो मैं आपको बताता हूं, चलते रहेंगे तो भाभी की जीएस कौन चेक करते रहेंगे भाई की मामी हमारी भाभी। तो आगे निकलते हैं फिर मिलते हैं आपसे। अभी थ्रेडिंग बनवा लेते हैं। नहीं भाभी कसम से मुझे कल कोई आईडिया नहीं था, आप बताइए। मैं आ रही थी रात को, झोले को मिल जाए बस, मैं उठ गया था भाभी जैसे ही भैया का फोन आया। A few moments later. तो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं और हमसे कौन नमस्ते करेगा? बिल्कुल चुप। भगवान करे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी। 1 hour later. ये टिकट हो रही है। Meanwhile. सुबह लेके घर आ चुके थे सलामत और अभी मैं आपको टाइम बता दूँ। टाइम हो रहा है 6:40 और आते वक्त मामा ने बोला कि अपनी एक मीटिंग है जो कि यहाँ से 800 किलोमीटर दूरी पर है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये पहले ऐसी मीटिंग होगी मेरी कि जहाँ से बाहर से लोग आएंगे। तो अपने पास ब्लेजर था नहीं तो ब्लेजर मेरे को लेना है, तो अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ ब्लेजर लेने, तो जो भी अच्छा लगे तो लेंगे और भी देखेंगे क्या क्या लेना है वो सब आपको बाद में दिखाते हैं क्या है, पहले मैं जाता हूँ मार्केट। हाँ तो भाई आ गया सस्ता। अरे साइलेंट कर देना मेरी जान। अच्छा पर्पल, हम तो कहते हैं येलो शर्ट में चले जाना।
वन कलर है। चलो भैया तुम्हारे लिए वाइन होगा, हमारे लिए पर्पल है। इसके लिए बैग नहीं है ये थोड़ा बोल रहा है। रुको अभी वाइट वाला प्रिंट पहन रहा है। चला जा देखे लग रहा है। चलो देखो बाजा बजा वाला ही है भैया बोलिंग का साले। जल्दी ब्लेजर हमको पसंद ना आए पक्का। ये अलग तो एंटिक पीस है, सही में पैच लगा है, पैच लगा है। वो फटा नहीं है तो बड़ा लग रहा है भाई। फटा नहीं है भाई, फटा है। मार यार साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। अरे वो वाला चेक करा दो, फिटिंग आ जाए। अबे ये शक्ति का लगा है बे। छोटे आदमी उसे टट्टी बोल गया था। मेरा तो सिल दिए यहां से, टूटी है डिजाइन है। अरे अनपढ़ है नो भाई, क्या बोल रहे हो, अनपढ़ हो क्या, मीठी गोटी कैसे जा रहे हो तुम। चुप कर बे कुत्ते। मीनवाइल सुपली गाइस घर आ चुके हैं सलामत, और कपड़े तो चेंज हो गए हैं, तो अभी जाकर पैकिंग करते हैं। जहां आपको जाना है वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा कहां मैं जा रहा हूं। और भाई ब्लेजर ला लिया हूं, अच्छा लगेगा आप लोग को, तो अभी पैकिंग करते हैं। बाकी आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो पे, अभी के लिए धन्यवाद। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं। मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं।